वायुसेना के जाबाजों के शौर्य की गवाह बनी। 51वें स्थापना दिवस से पहले भोपाल में भारतीय वायुसेना का बड़ा एयर शो रखा गया, जिसमें लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टर्स के हैरतअंगेज प्रदर्शन ने लोगों का दिल जीत लिया। नभाः सर्पदशं दीप्तम यानी टच द स्काई विथ ग्लोरी। अपने ध्येय वाक्य को चरितार्थ करते हुए भारतीय वायुसेना के शूरवीरों ने जब राजा भोज की नगरी भोपाल में उड़ान भरी तो वहां मौजूद हर शख्स रोमांच से भर उठा और आंखें आसमान की तरफ थम गईं। अपने 91वें स्थापना दिवस से पहले भारतीय वायुसेना ने भोपाल में बड़ा एयर शो किया, जिसमें 60 से ज्यादा लड़ाकू विमानों ने वायुसेना का शौर्य दिखाया। रफाल, सुखोई, तेजस, जगुआर, मिराज के साथ चिनूक, MI-17, चेतक और सारंग हेलीकॉप्टर्स ने भी खूब जलवा बिखेरा। सूर्यकिरण विमानों की टीम और मालवाहक विमानों ने भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, जिससे लोग गर्व से गदगद हो उठे और माहौल भारत माता की जय के नारों से गूंज उठा। तो हमारी एनसीसी कैडेट्स भी यहाँ मौजूद हैं, जो बड़ी संजीदगी से आसमान को देख रही थी। कितना मजा आ रहा है! बहुत मजा आ रहा है। क्या क्या देखा है अभी हमने? अभी हमने सुखोई देख लिया है, तेजस देख लिया है, मिराज देख लिया है और अब हम काफी एयरक्राफ्ट देखने वाले हैं। सबसे पहले हमने चिनूक देखा था और अभी और भी एयरक्राफ्ट है जो फाइटर होंगे और हम सबको एक्सपीरियंस करेंगे। तेजस का तेज कैसा लगा? बहुत शानदार, बहुत ज्यादा। तो क्या लगता है कितनी स्ट्रांग है हमारी एयरफोर्स? बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। एक बार भारत माता की जय बोलेंगे? भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! बड़ी झील के ऊपर वायुवीरों के विराट और अद्भुत प्रदर्शन ने हर किसी का मन मोह लिया। एयर शो की शुरुआत चिनूक हेलीकॉप्टर्स के साथ हुई, जिसमें दिखाया गया कि हिंद के वीर हर चुनौती और आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। अच्छा लग रहा है, यहाँ पर फर्स्ट टाइम आए हैं और ऐसी नई नई चीजें मतलब देखने को मिल रहा है। साल में पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि बहुत अच्छा लग रहा है। सब बहुत एक्साइटेड है, बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम उत्साह से भरपूर। 60 साल के बुजुर्गों में भी 16 साल की जवानी आ गई। क्या बात है! बहुत बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्साइटमेंट। क्या क्या देखा हमने अभी? मैंने शुरू से लेकर आखिर तक देखा और सुबह 4 बजे से मैं आके जगह घेरी हुई है मैंने यहाँ पर। सबसे पहले मैंने फॉर्मेशन देखा हेलीकॉप्टर्स का, फिर उसके बाद में सुखोई देखे, फिर फाइटर्स देखे, वो फाइटर फिर से आ रहा है। तो बहुत 60 साल के बुजुर्ग में 16 साल की जवानी आ गई। सुखोई मिराज जगुआर विमानों की गर्जना ने दिल की धड़कनों को तेज कर दिया। आसमान को चीरते हुए ये लड़ाकू विमान ऐसे निकले मानो अर्जुन के धनुष से बाणों की बौछार हो रही हो। वहीं तेजस के तेज ने फिजा को रोमांचित कर दिया। यह तेजस, तेजस की गति आप देखिए। पलक झपकते ही ये विमान गायब हो गया और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब हमारी वायु सेना जंग में उतरती है तो ये तेजस किस तरह से उनके कौशल को और तेजी देता है। भोपाल में वायुवीरों के बेमिसाल प्रदर्शन ने हर भारतीय को फिर से भरोसा दे दिया है कि देश पूरी तरह सुरक्षित है, क्योंकि वतन के रखवालों का पहरा है और वो निगहबान है जमीन से आसमान तक। शुभांगी मिश्रा के साथ News18 भोपाल। और बात करेंगे भोपाल में वायुसेना के एयर शो में सूर्य किरण विमानों और सारंग हेलीकॉप्टर्स के अद्भुत प्रदर्शन की। बड़ी झील के ऊपर जब सूर्य किरण और सारंग टीम ने अपने कर्तव्य दिखाए तो लोग रोमांचित हो उठे।
विक्ट्री फॉर्मेशन के साथ भोपाल के आसमान में सूर्य किरण विमानों के दल ने जब प्रवेश किया तो तालियों का शोर थमा नहीं। एक साथ 8 सूर्य किरण विमानों को देख दर्शकों के रोमांच का ठिकाना न रहा। सूर्य किरण विमानों के शूरवीरों ने बड़ी झील के ऊपर दिल को थाम देने वाले करतब दिखाए और अपने प्रदर्शन से भोपाल के लोगों का दिल जीत लिया। सूर्य किरण विमान कोई लड़ाकू नहीं बल्कि ट्रेनर विमान है। फाइटर जेट उड़ाने से पहले पायलट्स को सूर्य किरण विमानों की परीक्षा से गुजरना पड़ता है। सूर्य किरण विमानों को उड़ाने में निपुण होने के बाद ही किसी पायलट को फाइटर जेट की कमान सौंपी जाती है। फाइटर पायलट जो करतब दिखाते हैं वो इन्हीं सूर्य किरण विमानों के प्रशिक्षण से हासिल करते हैं। सूर्य किरण विमानों को भारत में ही विकसित किया गया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इन विमानों को बनाया। ये विमान मुख्य रूप से एरोबॉटिक शो में दिखते हैं। अपनी वास्तविक स्थिति से 180 डिग्री पर उड़ान भरते हुए निकल जाना सूर्य किरण विमानों के लिए सामान्य सी बात है। सूर्य किरण टीम में जो विमान उड़ान भरते हैं उनमें मुख्य रूप से MK-132 विमान शामिल होते हैं। भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण विमान टीम भारत के अलावा मलेशिया, सिंगापुर और श्रीलंका जैसे देशों में भी प्रदर्शन कर चुकी है। इसके अलावा सारंग हेलीकॉप्टर्स की टीम ने भी लोगों को जोश से भर दिया। 4 सारंग हेलीकॉप्टर्स ने जब बड़ी झील के ऊपर एंट्री मारी तो लोग झूम उठे। इसके बाद तो आसमान था, सारंग हेलीकॉप्टर के करतब थे और लोगों की तालियों का शोर। भोपाल से न्यूज 18 के लिए शुभांगी मिश्रा की रिपोर्ट। तो बहुत शानदार ये एयर शो हुआ और इसमें न केवल सारंग जैसे हेलीकॉप्टर्स या विमानों ने एंट्री दिखाई अपनी और करतब दिखाए बल्कि तेजस जो कि लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट माना जाता है उसने भी अपने करतब दिखाए। लोग हैरत अंगेज रह गए। हमने सुनाया भी और दिखाया भी कि किस तरीके से लोग रोमांचित हो गए देखकर। इसके अलावा दूसरे विमान चाहे वो हेलीकॉप्टर्स हों या फिर फाइटर जेट्स हों उन्होंने भी खूब कमाल दिखाया। और भोपाल में यह आयोजन वैसे हुआ कल लेकिन इसके पहले जो रिहर्सल की गई थी उसको देखने के लिए भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। हालांकि एक घटनाक्रम कल देखने को मिला था जब छज्जे पर लोग चढ़ गए थे और वहाँ कुछ छज्जा गिर जाने की वजह से लोग जख्मी हो गए थे। लेकिन इसके अलावा कल का जो कार्यक्रम था वो बहुत शानदार रहा और लोग उसको हमेशा याद रखेंगे। इतना ज़बरदस्त ये कार्यक्रम वायुसेना की तरफ से रखा गया था। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त लेकिन खबरों का सफ़र लगातार जारी है।